हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट ईवीएस। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी हार्ड वर्ड्स ऑफ चैप्टर नंबर 11 इन द ऑर्चर्ड पार्ट 5। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ORCHARD ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मींस बगीचा, जो फूलों का बगीचा होता है या फिर फलों का होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड कहते हैं। SAPLING सैपलिंग। सैपलिंग मीन्स पौधे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसे कहते हैं सैपलिंग। CLIMBERS क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जिसे ग्रो होने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। द प्लांट्स हु नीड सपोर्ट टू ग्रो। GRAINS ग्रेन्स। ग्रेन्स मीन्स अनाज। PULSES पल्सीस। पल्सीस मतलब डाले। SPAN स्पैन। स्पैन मतलब विस्तार। SURPRISED सरप्राइज्ड। सरप्राइज मतलब आश्चर्य हो जाना। कोई अगर हम अलग कोई चीज देखते हैं जो चीज हमने कभी देखी नहीं है और वैसी चीज अगर हम देख लेंगे तो हमें कैसा लगेगा? एकदम से अलग सा लगेगा, आश्चर्य लगेगा, तो उसे कहेंगे हम सरप्राइज्ड। IMAGINE इमेजिन। इमेजिन मतलब कल्पना करना। TAPESTRY टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री मतलब ऐसा एक क्लोथ होता है जिसके ऊपर क्या होती है? एम्ब्रॉयडरी होती है और वो क्लोथ दीवार के ऊपर सजाते हैं, तो वैसे वाले सजावट वाले क्लोथ को क्या कहते हैं? टेपेस्ट्री कहते हैं। SKILFULLY स्किलफुली। स्किलफुली मतलब कुशलता पूर्वक। RECOGNIZE रेकोगनाइज। रेकोगनाइज मतलब पहचानना, आइडेंटिफाई करना, तो उसे कहेंगे हम रेकग्नाइज। INFORMATION इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी। AQUATIC एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स जलीय। FRAGRANCE फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू। BUNCHES बंचेस। बंचेस मतलब गुच्छा। TOGETHER टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ में। SEPARATE सेपरेट। सेपरेट मतलब अलग। सेपरेट का क्या मतलब होता है? अलग। और टुगेदर मतलब साथ में। PETALS पेटल्स। पेटल्स मतलब पंखुड़िया। STRUCTURE स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा। MIDDLE मिडल। मिडल मीन्स बीच का। INSIDE इनसाइड। इनसाइड मीन्स अंदर। SURROUNDING सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास का जो परिसर होता है उसे कहते हैं सराउंडिंग। BLOOM ब्लूम। ब्लूम मतलब खिलना। MEDICINE मेडिसिन। मेडिसिन मतलब दवाई। मेडिसिन का क्या मतलब होता है? दवाई। DECORATION डेकोरेशन। डेकोरेशन मतलब सजावट। PERFUMES परफ्यूम्स। परफ्यूम मतलब इतर, सुगंधीदार जो लिक्विड होता है सुगंध वाला उसे कहते हैं परफ्यूम्स। FLORIST फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट मीन्स फूलों को बेचने वाले जो होते हैं उसे कहते हैं फ्लोरिस्ट। GARLAND गार्लैंड। गार्लैंड मीन्स तोरण। गार्लैंड का क्या मतलब होता है? तोरण। BOUQUET बुके। बुके मीन्स जो फूलों का गुलदस्ता होता है उसे क्या कहते हैं? बुके। CAREFULLY केयरफुली। केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक। PULLING पुलिंग। पुलिंग मतलब खींचना। SUDDEE
एन एल वाई सडनली, सडनली मतलब अचानक से। एच ई ए वी आई एल वाई हैवीली मतलब जोरों से, जोर जोर से। अगर बारिश भी जोर ज्यादा आती है तो हम क्या कहते हैं कि हैवी रेनफॉल। तो जो हैवीली जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, जोर जोर से। W I T H E R E D withered, withered मतलब मुरझाया हुआ। जो प्लांट्स मुरझा जाते हैं, जो लीव्स मुरझा जाते हैं उसे क्या कहते हैं, withered। R E G U L A R L Y regularly, regularly means नियमित। D A M A G E damage, damage means नुकसान। damage का क्या मतलब होता है, नुकसान। weird मतलब अजीब सा, जो हमें कुछ अजीब सा लगता है उसे क्या कहेंगे हम, weird। strength, strength strength मतलब शक्ति। aerial, aerial aerial means हवाई। soak soak, soak मतलब भिगोना। soak का क्या मतलब होता है, भिगोना। G E R M I N A T E D germinated, germinated मतलब अंकुरित होना। अगर हम कोई सीड्स ग्रो करने के लिए रखते हैं तो फिर वो क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। ग्रो होने के लिए उन्हें क्या होना होता है, अंकुरित होना पड़ता है, तभी वो प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। तो वो प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, germinated। D I R E C T I O N direction, डायरेक्शन मतलब दिशा। एस पी आर ओ यू टी स्प्राउट, स्प्राउट मीन्स अंकुर। तो हमने यहाँ पर देखा जर्मिनेटेड, जर्मिनेटेड मतलब अंकुरित होना। अंकुरित होकर जो सीड होते हैं उसमें से अंकुर बाहर निकलते हैं, तो जो अंकुर बाहर निकलते हैं उसे कहते हैं स्प्राउट। आई एन सी आर ई ए एस ई इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना। F I R M L Y firmly, firmly मतलब दृढ़, जो एकदम पक्का वाला होता है उसे कहते हैं firmly। P I E C E piece, piece मतलब टुकड़ा। तो स्टूडेंट्स ये सारे हार्ड वर्ड्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सो ये सारे हार्ड वर्ड्स आप लोगों को EVS की नोटबुक में 5 times लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, how many times you have to write in your EVS notebook, 5 times, okay students, 5 times you have to write in your EVS notebook, okay students, you have to learn these all hard words, thank you students, bye bye।